पीएम नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का मेंशन किया था। ये प्लान अक्टूबर 13, 2021 को लॉन्च किया जा चुका है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में गति शक्ति मास्टर प्लान, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर एक सबसे एम्बिशियस इनिशिएटिव्स में से एक है, पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि ये प्लान क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम समझेंगे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP क्या है। इसके अलावा हम इस प्लान के बेनिफिट्स और फ्यूचर पर भी नज़र डालेंगे। साथ ही साथ इसमें लगाए जाने वाले ₹100 लाख करोड़ के अवेलेबल सोर्सेज, गेटवेज एक्सेट्रा को भी जानेंगे, जो इस इनिशिएटिव पर डीप अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करेगा। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 100 साल होने में करीब 25 साल बाकी हैं और पीएम के विजन के मुताबिक इस पीरियड को अमृत काल कहा जा रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबली सभी देशों, इन्वेस्टर्स, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इंडिया दिन ब दिन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। जाहिर है कि इंडिया और इंडियंस डेवलपमेंट को लेकर सीरियस हैं और 21st सेंचुरी में कोई भी अपॉर्चुनिटी को बेकार नहीं जाने देंगे। इस मोटिव के साथ गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावर मास्टर प्लान सामने आया है। इसके 6 पिलर्स हैं: कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक। जैसा कि इन शब्दों से समझ आ रहा है, इस प्लान में इंक्लूसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिगार्डलेस ऑफ इंटर मिनिस्ट्रीज रोड ब्लॉक्स, डिलेज एंड द लाइक्स, तेजी से क्लियर होंगे और इससे इकोनॉमिकल और सोशल बूस्ट इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन आखिरकार है क्या गति शक्ति, आइए इसे हम अगले सेगमेंट में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019-2020 से लेकर 2024-25 के बीच ₹111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है। ये इंडिया में तरह तरह के सेक्टर्स, मिनिस्ट्रीज के अंडर आने वाले प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, वाटरवेज, एक्सप्रेसवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एक्सेट्रा की एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्कीम है। दोस्तों, किसी भी स्कीम या आइडिया को हम अब तक अलग अलग देखते आए हैं। रेलवेज लाइंस के लिए हमारे दिमाग में यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ही आती है। रोड्स और उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए निचले लेवल पर ग्राम पंचायत या नेशनल लेवल पर NHAI या यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सामने आती है। इंडिविजुअल्स के कारण आज एक इंक्लूसिव और मैसिव स्कीम की जरूरत सामने आकर खड़ी हो चुकी है। होता यूँ है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लोगों के ग्रुप्स, इंटर मिनिस्ट्रियल क्लियरेंस प्रॉब्लम्स और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट और फंडिंग को लेकर इश्यूज हमारे प्रोजेक्ट्स को डिले करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च करते हुए कहा कि वो गति शक्ति के अंडर पहले हो रहे मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन के बीच के गैप को खत्म करेंगे। इसके अलावा पीएम ने कहा कि प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ एडवांस इन्फॉर्मेशन, सिलोज में थिंकिंग एंड वर्किंग का ट्रेडिशन था, जिससे कंस्ट्रक्शन हैम्पर होता रहा है और बजट का वेस्टेज हुआ। दोस्तों, इस प्लानिंग के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में सेटअप की गई थी। इस टास्क फोर्स का काम था कि वो टेक्निकली फीजिबल और फाइनेंशियली वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करे, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में इंक्लूड किए जा सकें। सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेट्स, बैंक, पी फंड्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एक्सेट्रा के बीच डिटेल डिलिब्रेशंस के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। पीएम ने एक बेसिक एग्जांपल देते हुए कहा कि कहीं पर एक डिपार्टमेंट द्वारा एक नया गुड क्वालिटी रोड कंस्ट्रक्ट किया गया, तो कुछ दिनों बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइपलाइन बिछाएगा। ऐसा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अब एंड होना चाहिए। इन बातों पर फोकस करते हुए 6 पिलर्स तैयार किए गए हैं, जिन पर बेस गति शक्ति मास्टर प्लान में काम किया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा है, पर यह जाहिर है कि NIP के ₹110 लाख करोड़ में मेगा प्रोजेक्ट्स गति शक्ति के अंडर लाए जाएंगे। राजीव विजय, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी एट नाइट फ्रैंक इंडिया में, वो बताते हैं कि इस प्लान में यूनियन मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट की कई इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, जैसे भारतमाला, सागरमाला, UDAN, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई और लैंड पोर्ट्स एक्सेट्रा इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। वो आगे कहते हैं कि प्लान में कॉस्ट एफिशिएंसी को देखते हुए कामों को क्विकली कंप्लीट किया जाएगा। विजय ने कहा कि मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा और बिना किसी डिलेज की कॉस्टिंग, कॉस्ट ओवररन्स के इंटीग्रेटेड, सीमलेस और प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। ये प्लान दोस्तों 6 प्राइमरी पैरामीटर्स पर बनाया गया है,
जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का प्लान में कॉन्टेक्स्ट है कि सभी डिपार्टमेंट्स के एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव्स एक सेंट्रलाइज पोर्टल के अंडर इंक्लूड होंगे, जिससे एक दूसरे की एक्टिविटीज विजिबल होंगी। दूसरा पिलर है प्रायोरिटाइजेशन, जिसमें डिपार्टमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शंस के जरिए प्रायोरिटाइज करने होंगे। तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि ये शब्द बताता है, क्रिटिकल गैप्स को आइडेंटिफाई कर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, टाइम और कॉस्ट को बचाते हुए ये प्लान ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन रूट्स प्रोवाइड करेगा। सिंक्रोनाइजेशन के अंडर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के एग्जिस्टिंग लैक इन कोऑर्डिनेशन खत्म होगा और एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज वे में गवर्नेंस की डिफरेंट लेयर्स के बीच तालमेल बनाते हुए पूरी की जाएंगी। एनालिटिकल एक ऐसा पिलर है जिसके अंडर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का पूरा डेटा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS और करीब 200 लेयर्स वाले एनालिटिकल टूल्स की हेल्प से कोलेट किया जाएगा। सिक्स्थ पिलर है डायनेमिक, इसके अंडर वेल अपडेटेड GIS प्लेटफॉर्म के जरिए क्रॉस सेक्शनल प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर, रिव्यू और विजुलाइज करने के लिए सभी रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग यूनिट्स को टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे में ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि प्लान को इन्हांस करने के लिए किन किन की इंटरवेंशन की जरूरत है। इस प्लान में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डिफेंस प्रोडक्शन का 17 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर, 38 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और 109 फार्मा क्लस्टर्स को 2024 तक डेवलप करने का टारगेट है। नेशनल मास्टर प्लान 2024-25 तक सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के लिए टारगेट्स फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री का टारगेट है कि 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवेज, 4 और 6 लेन नेशनल हाईवेज ऑफ 5,590 किलोमीटर अलोंग कोस्टल एरियाज और सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैपिटल्स 4 लेन या 2 लेन नेशनल हाईवेज से कनेक्ट हो। रेलवेज के लिए टारगेट है कि 2024-25 तक 1600 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करना शुरू हो जाए, जो 2020 में 1210 मिलियन टन था। साथ ही साथ 51% रेलवे नेटवर्क को एडिशनल लाइंस और 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी DFCs की हेल्प से डीकंजेस्ट कर दिया जाए। वहीं सिविल एविएशन का टारगेट है कि 2025 तक एविएशन फुटप्रिंट डबल किया जाएगा और टोटल 220 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब है कि 2025 तक ऐसी 109 एडिशनल फैसिलिटीज तैयार हो जानी चाहिए इस पर द टारगेट। शिपिंग मिनिस्ट्री के लिए नेशनल मास्टर प्लान कहता है कि 2020 में 1282 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम यानी MMTPA कार्गो कैपेसिटी है, उसे 2025 तक 1759 MMPTA किया जाएगा। गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एडिशनल 17,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रंक पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर 34,500 किलोमीटर किया जाएगा, जो एक्चुअली करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग डबल है। पावर लाइंस के लिए मास्टर प्लान कहता है कि 2024-25 तक 4.52 लाख सर्किट किलोमीटर टारगेट होगा और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रेजेंट 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी गति शक्ति मास्टर प्लान की। आपके हिसाब से ये प्लान कितना इफेक्टिव होने वाला है और इसके सामने मुख्य चैलेंजेस क्या होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।